एक बड़ी खबर, राजस्थान पीएफआई केस से जुड़ी ये बड़ा अपडेट। एनआईए ने पीएफआई केस में पहली चार्जशीट दाखिल की। एनआईए ने दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये बड़ी जानकारी है। आसिफ और सादिक के खिलाफ, ये दो नाम हैं आसिफ और सादिक, जिनके खिलाफ ये चार्जशीट दायर की गई है। मुस्लिम युवाओं को भड़काने का इन पर आरोप है। भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश की गई थी। आपको बता दें कि ऐसे दस्तावेज भी बरामद हुए थे जिससे ये स्पष्ट हुआ था कि भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश की जा रही है। मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनीष, इसमें और क्या क्या अहम बातें हैं चार्जशीट में? देखिए पयोधी, ये पहली चार्जशीट है, काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि पीएफआई से जुड़े तमाम जो उससे लिंक ऑर्गेनाइजेशन है या कई पॉलिटिकल पार्टी ये आरोप लगा रही थी कि एक पॉलिटिकल प्रेशर से एनआईए ने ये कार्रवाई की है, भारत सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई है। लेकिन जिस तरीके से एनआईए ने एविडेंस इकट्ठा किया है, क्योंकि इसमें बहुत से 100 से ज़्यादा अलग अलग स्टेट से आरोपियों को पकड़ा गया था, तो इसमें जो पहली चार्जशीट दायर की गई ये बहुत क्रूशियल इसलिए मानी जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं एनआईए ने एक लिंक एस्टेब्लिश किया है अपनी चार्जशीट में कि किस तरीके से भारत को अस्थिर करने के लिए, वायलेंस क्रिएट करने के लिए, 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए। और इसके साथ ही साथ आप याद करिए कि उस दौरान भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले थे जहाँ पर पीएफआई के कई मेंबर्स ट्रेनिंग कैंप करते हुए पाए गए थे, जहां पर हथियारों की ट्रेनिंग दिला रहे थे। तो इसको लेकर भी ऐसे कई व्हाट्सएप ग्रुप थे जिनसे ये बड़ा खुलासा भी हुआ था। मनीष, ये जानकारी भी आपके जरिए हमने दर्शकों तक पहुंचाई थी। आपका धन्यवाद फिलहाल डिटेल्स के लिए।